वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये रेड हॉट स्मोकी मेकअप ट्यूटोरियल, और इससे आप करवा चौथ पे भी वेयर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो मैं कंसीलर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एलेगल प्रो कंसीलर लिया है और इसमें मेरा शेड है प्योर बेज। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है और ये मेरे अंडर आई को काफ़ी अच्छे से कंसील कर देता है। जो भी डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन वगैरह होगा उसे काफ़ी अच्छे से हाइड कर देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसीलर है ये। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, ये है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 230 और इसमें पैक 231 ब्रश की हेल्प से बफ़ कर लूँगी मेरे फेस पे। एंड जो मेरा फेस है वो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, ये है स्पेस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर और ये हल्का सा लाइट है। सो इसे आप आपके अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो और बहुत ब्यूटीफुल कंसीलर है। वेलवेटी टेक्सचर है इसका और अगर आप बजट में हो तो आप इस कंसीलर को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। नाउ मैं यूज़ करूँगी लैक्मी का रोज़ पाउडर और इससे मैं अपनी अंडर आई एरिया को सेट कर लूँगी। और मैं अभी ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का न्यूट्रल्स टू आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ये ब्राउन शेड पिक करूँगी और इसे मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो मैं हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ, आपको एक साथ अप्लाई नहीं करना है कलर। और इसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का टमी एक्स पैलेट और इसमें से मैं ये रेड शेड लूँगी। नाउ ये जो रेड शेड है ये शिमरी सॉर्ट ऑफ अ शेड है और इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी, जिससे कि पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट सेम पैलेट में से मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और उससे मैं अपनी फ्लफ़ी ब्रश से अप्लाई करूँगी, सिर्फ आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी, मैं आउटर वी पे। और आपको थोड़ा थोड़ा सा कलर डिपॉजिट करना है वरना ये जो ब्लैक शेड है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ब्लेंड करने में। और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर लाइनर और ये हिलरी रोड़ा का ग्लिटर लाइनर और मैं इसे अपनी क्रीज में अप्लाई कर दूँगी। नाउ जो हमने पाउडर अप्लाई किया था अपने अंडर आई एरिया में उसको मैं रिमूव कर दूँगी और सेम पाउडर से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। और जो ब्राउन शेड हमने क्रीज में अप्लाई किया था सेम ब्राउन शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये शुगर का सटल समेट पैलेट, उसमें से मैं ये ब्लश शेड लेके मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर अप्लाई करूँगी एंड हल्का सा मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर दूँगी। अपने ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पेस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट और ब्लैक एंड ग्रे शेड को मिक्स करके मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी और मैं काफ़ी नेचुरल फिल करूँगी अपने ब्राउज को, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का बेक हाइलाइटर और इससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर दूँगी और सेम हाइलाइटर को मैं अपने चीक बोन्स में अप्लाई करूँगी, टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़ और फोर हेड पर अप्लाई करूँगी, यूजुअली जहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, हल्का सा अपने ब्राउ बोन पर भी अप्लाई कर लूँगी। नाउ मैं ले रही हूँ ये NYB की लिपस्टिक, आई डोंट नो शेड क्या है, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं अप्लाई कर दूँगी अपनी लिप्स पे। एंड यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मस्कारा अप्लाई ही नहीं किया, सो मैं ये फीसेस का मैग्नेट आइज मस्कारा ले रही हूँ और इससे मैं अच्छे से अपने लैशेस पे अप्लाई कर दूँगी एंड मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं फॉल्सीज भी वेयर कर लूँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला मेकअप लुक। आप इसे वेडिंग में भी वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय।